राज्य सरकार के निर्देश पर महिला बाल विकास लाडली लक्ष्मी उत्सव के अलावा कुपोषण मिटाने के उद्देश्य से स्वस्थ बालक बालिका प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रहा है। 22 व 26 सितंबर को होने वाले इन दोनों आयोजनों के लिए विभाग ने तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं। लाडली लक्ष्मी योजना के तहत प्रदेश में लाखों बालिकाओं को जोड़ा गया। अभी यह बालिकाएं पढ़ लिख कर करियर बनाने की राह पर अग्रसर हैं। इस सफलता का उत्सव मनाने के लिए राज्य सरकार ने सभी जिलों में लाडली लक्ष्मी उत्सव आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत 22 सितंबर को इंदौर के लाभ मंडपम हॉल में लाडली लक्ष्मी उत्सव आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन में शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल आने वाली लाडली लक्ष्मी एवं उनके माता पिता को सम्मानित भी किया जाएगा। दिनों में दो बड़े कार्यक्रम किए जाने हैं, किस तरह की कार्यक्रम है, उसके पीछे उद्देश्य क्या है? दिनांक 22 तारीख को 22 सितंबर को लाडली लक्ष्मी उत्सव जिला स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। उसका उद्देश्य है कि जो लाडली लक्ष्मी की हमारी बालिकाएं हैं उनको और उनके पेरेंट्स को हम उस कार्यक्रम में आमंत्रित कर रहे हैं और एक उत्सव प्रकार का एक उत्सव हमें आयोजित करना है। उसके अलावा उस कार्यक्रम में जिन बालिकाओं ने शिक्षा के क्षेत्र में कोई उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल की है या किसी अन्य क्षेत्र में हासिल की है तो उन बालिकाओं का सम्मान होगा। ऐसे परिवारों का सम्मान होगा जिनमें एकल बालिका है, सिंगल गर्ल चाइल्ड है और परिवार नियोजन अपना लिया है, उन परिवारों का सम्मान होगा। इसके अलावा एक माँ तुझे प्रणाम योजना थी जिसमें बालिकाएँ हमारी लाड़ लक्ष्मियाँ बाघा बॉर्डर पर गई थी तो उन बालिकाओं को भी आमंत्रित किया अपने अनुभव शेयर करने के लिए। तो ये एक प्रकार का जिला स्तरीय कार्यक्रम है जिसमें माननीय मंत्रीगण भी हमने उसमें उपस्थित रहेंगे, माननीय सांसद जी भी रहेंगे। इसी तरह कुपोषण से मुक्ति के लिए आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से इंदौर जिले में 5 साल तक के स्वस्थ बालक बालिकाओं की प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। आंगनबाड़ी स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता में चयनित बच्चों को जिला स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल किया जाएगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी रामनिवास बुधोलिया के अनुसार इस प्रतियोगिता का उद्देश्य पोषण के प्रति गर्भवती महिलाओं एवं आमजन को जागरूक करना है। हाँ बिल्कुल, कुछ बालिकाएं जिन्होंने मेरिट में जैसे स्थान पाई हैं, जैसे भी बालिकाएं 10th में 11th में मेरिट में उन्होंने स्थान प्राप्त किया तो ऐसी बालिकाओं को हम सम्मान करेंगे। इसके अलावा एक 26 तारीख को स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा का आयोजन है जिसमें हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों में जो हमारे 5 साल तक के बच्चे हैं उनमें हेल्दी बेबी कंपटीशन है तो उसमें भी एक जिला स्तर पर कार्यक्रम होगा और उसमें बच्चे आमंत्रित किए जाएंगे। उनका स्वास्थ्य और पोषण को लेके उनकी मेरिट तय की जाएगी, कौन बच्चा कितना स्वस्थ है, उनके पेरेंट्स को स्वास्थ्य के बारे में कितनी जानकारी है, इस प्रकार से जो हेल्दी बेबी कॉम्पिटिशन होगा कुपोषण से लड़ाई के लिए बेसिकली ये उसी के उद्देश्य को लेकर है कि किस प्रकार से पोषण को लेकर जागरूकता हो, बच्चे में स्तनपान को लेकर जागरूकता हो, समाज में कि स्तनपान कराना क्यों जरूरी है, पोषण से लड़ने के लिए स्तनपान कितना महत्वपूर्ण है, वो सारे मैसेज देने के लिए ये पूरा अभियान चल रहा है। क्योंकि ये महीना हमारा राष्ट्रीय पोषण माह है, पूरे सितंबर महीना राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाते हैं तो ये कार्यक्रम उसी के अंतर्गत हम आयोजित कर रहे हैं। दोनों आयोजनों को लेकर महिला बाल विकास विभाग ने तैयारियां प्रारंभ कर दी है। 10वीं में मेरिट हासिल करने वाली लाडली लक्ष्मी का चयन भी कर लिया गया है।